हेलो एवरीवन ये हमारी लास्ट वीडियो है नेक्रोसिस पे और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पांच मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं पांच टाइप्स होते हैं नेक्रोसिस के कोएगुलेटिव नेक्रोसिस लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस फैट नेक्रोसिस एंड फिब्रीनाइड नेक्रोसिस फर्स्ट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस अमंग ऑल दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस को एगुलेटिव नेक्रोसिस में टिश्यू स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है देखिये अगर हम को एगुलेटिव नेक्रोसिस को लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस से कंपेयर करें तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में टिश्यू स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है लेकिन लिक्विफ नेक्रोसिस में टिश्यू स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है रीजन क्या होता है यहां पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में रहते हैं इसी वजह से यहां पर टॉम स्टोन अपियरेंस आता है को नेक्रोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज है इसकीमिया देखिये स्कीमिया होगा ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स हैं वो डीनेचर कर जाएंगे और कोएग्युलेट कर जाएंगे सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कोएग्युलेटिव नेक्रोसिस कोएग्युलेटिव नेक्रोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेक्ट जो हमारा एरिया ऑफ नेक्रोसिस होता है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई उसको हम क्या बोलते हैं इन्फैक्ट बोलते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में ऑर्गन्स कौन कौन से इफेक्ट होते हैं ऑल सॉलिड ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन देखिए आपको यहां पर ध्यान रखना है ब्रेन में हमारे इफेक्टिव नेक्रोसिस मिलता है कोटिव नेक्रोसिस मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन हार्ट किडनी स्प्लीन एंड लिम नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ग्रॉसली जो नेक्रोटिक एरिया होता है वो हमें ड्राई पेल येलो और फर्म अपियर होता है जो जनरली वेज शेप का होता है और माइक्रोस्कोपिकली डेड टिश्यू की इनडिस्टिंक्ट आउटलाइन होती है इस फिगर से आपको पूरा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखिए दिस इज़ एरिया ऑफ नेक्रोसिस ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल जिसको हम इनफैक्ट बोलते हैं और जो जनरली वेज शेप का होता है फिगर बी इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ नॉर्मल किडनी पैरनकाइमा एंड फिगर सी इज़ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ नेक्रोटिक एरिया ऑफ किडनी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स की डेथ हो चुकी है सेल्स में न्यूक्लियस विजिबल नहीं है सेल्स की डेथ हो चुकी है लेकिन टिश्यू स्ट्रक्चर प्रिजर्व है देखिए अगर आप कुछ नोट डाउन कर रहे हैं तो रहने दीजिए आपको सिर्फ समझना है और याद करना है सेम नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में वापस टॉपिक पे आते हैं सेकंड है हमारा लिक्विफ नेक्रोसिस जिसको हम कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं यहां पर डेड टिश्यू रैपिडली अंडरगो सॉफ्टनिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिक्विड विस्कस मास ड्यू टू एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कॉजेज है इंजरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड सुपरेटिव इन्फेक्शन मीन्स इंफेक्शन बाय बैक्टीरिया विच स्टमुलेट द एक्मुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट यहां पर क्या होता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन में एक्ूमलेशन हो जाता है ल्यूकोसाइट्स का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो रिलीज होते हैं डेड सेल से और ल्यूकोसाइट से तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइट से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्कीमिक इंजरी से डेड सेल से हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो हमारे टिश्यू को डाइजेस्ट करते हैं मतलब लिक्विफाई कर देते हैं ग्रॉसली ब्रेन में जो नेक्रोटिक एरिया होता है वो सॉफ्ट होता है जिसका सेंटर लिक्विफेक्शन शो करता है सुपरेटिव इन्फेक्शन के केस में हमें एप्सेस फॉर्मेशन देखने को मिलती है मतलब लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस माइक्रोस्कोपिकली ये जो पस होती है इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विफाइड नेक्रोटिक सेल डेब्रिस डेड ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस दिस इज कट सेक्शन ऑफ ब्रेन शोइंग एरियाज ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस और ड्यू टू एक्शन ऑफ एनजाइम हाइड्रोलिटिक एनजाइम यहाँ पर हम एरियाज ऑफ लिक्विफ एक्शन भी देख सकते हैं थर्ड इज केशियस नेक्रोसिस केशियस नेक्रॉसिस में हमें कोएगुलेटिव नेक्रॉसिस और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस दोनों के फीचर देखने को मिलते हैं कहाँ मिलता है ये केशियस नेक्रोसिस विद ग्रेनुलोमा इज ऑब्जर्व्ड इन ट्यूबर क्लॉसिस एंड सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल हिस्टोप्लाज्मोसिस। देखिये अगर आपको ग्रेनुलोमा नहीं पता क्या होता है तो हम अभी आगे देखेंगे ऑर्गन कौन कौन से इफेक्ट होते हैं ट्यूबर क्लॉसिस किसी भी ऑर्गन में हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमनली लंग और लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है ग्रॉसली केशस नेक्रॉसिस में जो नेक्रोटिक एरिया होता है वो येलोइश व्हाइट सॉफ्ट और ग्रैनुलर दिखता है और रिजम्बल करता है हमारे ड्राई क्लंपी चीज को इसी वजह से इसको नाम दिया है केशियस नेक्रोसिस चीज लाइक नेक्रोसिस माइक्रोस्कोपिकली जो केशियस नेक्रोसिस होता है अपियर्स एस इनोफिलिक कोसरी ग्रेन्युलर मेटीरियल अभी मैंने आपको बताया था जो केशियस नेक्रोसिस होता है वो ग्रेनुलमा के साथ मिलता है केशियस नेक्रोसिस इज सराउंडेड बाय एपिथिलोइ सेल्स लैंगहेंस टाइप जॉइंट सेल्स लिंफोसाइट एंड फाइब्रोब्लास्ट तो ये सारे सेल्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं केशियस नेक्रोसिस को सराउंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्यूलोमा अब ये लैंग सेल्स क्या होते हैं देखिए जाइंट सेल हम उनको बोलते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और लैंग टाइप जॉइंट सेल्स में जो मल्टी न्यूक्लियस होते हैं वो एक शू पैटर्न में अरेंज रहते हैं केशस नेक्रोसिस में फेट क्या होगी तो फेट ऑफ केशियस नेक्रोसिस इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन मतलब डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का देखिए ये लैंग टाइप जाइंट सेल्स डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ग्रैनुलोमा जैसे जैसे हम पैथोलॉजी की नई वीडियोस पढ़ेंगे तो उनमें हम देखेंगे दिस इमेज इज शोइंग केशियस नेक्रोसिस विद ग्रैनुलोमा तो आप देख सकते हैं सेंट्रल एरिया ऑफ केशियस नेक्रोसिस सराउंडेड है एपिथिलॉइड सेल से लैंग हैंस जॉइंट सेल से लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट फोर्थ इज फैट नेक्रोसिस देखिए नाम खुद बता रहा है। इट इज फोकल एरिया ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन ये दो टाइप का होता है जिसमें पहला है एन्जाइमेटिक फैट नेक्रोसिस जिसका एग्जाम्पल है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस देखिए हम मैकेनिज्म से समझते हैं मैकेनिज्म से सब कुछ क्लियर होगा पैंक्रेटाइटिस में बहुत सारे एंजाइम्स लीक कर जाते हैं एसिनार इन सेल से उनमें से एक एंजाइम होता है लाइपेज लाइपेज फैट सेल पे काम करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है जिससे फ्री फैटी एसिड रिलीज हो जाते हैं अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं इनकी हाई एफिनिटी होती है कैल्शियम के साथ तो ये कंबाइन कर जाते हैं कैल्शियम के साथ और बना लेते हैं कैल्शियम सोप्स तो हमारा क्या होता है फैट सपोनिफिकेशन ग्रॉसली फैट नेक्रोसिस में एरिया ऑफ चौकी वाइट अपियरेंस दिखता है हमें और माइक्रोस्कोपिकली नेक्रोटिक फैट सेल अपर पेल विद शेडो आउटलाइंस सराउंडेड बाय इनफ्लामेटरी सेल्स दिस इज ग्रॉस व्यू ऑफ एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस और इसमें आप इज़ीली अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे एरियाज ऑफ चौकी वाइट डिपॉजिट्स पहला था हमारा एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था एक्यूट एक सेकेंड है ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस ट्रोमा की वजह से फैट का डिस्ट्रक्शन ये कहा देखने को मिलेगा अकर इन टिश्यू विद हाई फैट कंटेंट फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट एंड थाई लास्ट इज फेब्रीनॉइड नेक्रोसिस इट इज कैरेक्टराइज बाय डिपोजिशन ऑफ पिंक स्टेनिंग प्रोटीनेशियस मेटीरियल इन द टिश्यू मैट्रिक्स और ये जो स्टेनिंग पैटर्न होता है ये बिल्कुल फिब्रिन को रिजेंबल करता है इसी वजह से इस टाइप को हमने नाम दिया है फिब्रिनय नेक्रोसिस इसका एग्जाम्पल है इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलर इंजरी यहां पर क्या होता है जो ब्लड वेसल की वॉल होती है वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का डिपोजिशन हो जाता है सिमिलरली मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड एश ऑफ बॉडी इन रूमेटिक हार्ट डिजीज में होता है दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ब्लड वेसल शोइंग डिपोजिशन ऑफ पिंक स्टेनिंग प्रोटीनेशियस मैटीरियल इन इट्स वॉल सो ये जो पिंक स्टेनिंग प्रोटिनेशियस मैटीरियल होता है ये फिब्रिन को रिजेंबल करता है और इसी को हम बोलते हैं फिब्रिनानॉइड नेक्रॉसिस सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ नेक्रोसिस दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा